पीपल्स पार्टी की मेजबानी हेठ मुल्क में जारी डिजिटल आदमशुमारी सिंध के खदशन बाबत घर पार्टी कॉन्फ्रेंस जारी है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद कुर की सदारत हेठ कॉन्फ्रेंस में वो वजीर सैयद मुराद अली शाह, नून लीग, जमात इस्लामी और कॉम्परिस्ट पार्टी जहां सरबराह मौजूद है। तफसील मालूम कदे असा वीडियो लिंक मौजूद है। कराची जो चीफ रिपोर्टर शबीर लाशारी जी, शबीर जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफा सिंध जो है सिंध सरकार सिंध के मानून के जे सतें डिजिटल आदमशुमारी खदशान उन बाबत कराची के होटल में घण पार्टी कॉन्फ्रेंस जारी है। ही घण पार्टी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़े की सदारत हेठ थी रही है, जैमें सिंध सरकार के तरफा वो वजीर सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वजीर सईद गनी और बिहार सूबाई वजीर जो शरीक हैं। उनके अलावा नून लीग का एम एन ए के एल दास कोहिस्तानी, उनके अलावा एस टी पी सरबराह डॉक्टर कादर मंगसी, उनके अलावा ए जे पी जे अगवान जमायत इस्लामी समेत मुख्तलिफ जो पार्टियां जो है घण जमायती कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। उन्होंने जहाँ नुमाइंदा अगवान जे सिंध के मानून जहाँ खदशन डिजिटल आदमशुमारी उन बाबत ख्याल इजहार कर रहा है। उनके अलावा सिंध जे घण घुरा अदीब, शायर, सहाफी, इंटलेक्चुअल उ भी अजोकी पीपल्स पार्टी की मेजबानी हेठ थन्द डिजिटल आदमशुमारी के खदशन बाबत घण जमायती कॉन्फ्रेंस है उनमें शामिल हैं। इन हवाले से सिंध सरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौकुफ है तो ये जो सतें आदमशुमारी पर्यों भेरों डिजिटल आदमशुमारी थी रही है उनमें केतरी हुई जो फनी खराबियों जिनके दुरुस्त करण की जरूरत है। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह तरफा जी ही जो है डिजिटल आदमशुमारी शुरू थी तो वफाकी सरकार के खत लिखी जो है आदमशुमारी लाइ वधिक ब हफ्ता वधाण की डिमांड कई हुई। उनके अलावा सिंध सरकार पारा जिन खदशन जो इजहार किया है उनमें यो खदशो भी है तो इन्यूमेटर्स के जो टेबलेट्स दिना वह उन टेबलेट्स में काफ़ी जो फनी खराबियों हैं। इन्यूमेटर्स जो जिन लोकेशन्स से पहुंचन था उत उन्होंने नेटवर्क कवरेज जो है वो मसलो पेश अची रो है। उन गोगो सुणप कार्ड वो शर्त जो है वो लाजम जो है करार दियणते भी सिंध हुकूमत जोर दिनों है छाण त इन सा ही सिंध हुकूमत जो चवण है तो खबर पेजी सी केतरा मू जो उ कें घर में रहन था सुणप कार्ड में उन जो है घर के सरबराह जे बार बच्चा वो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने तादाद सही तादाद की जो खबर पेजी सके थी। उनके अलावा वे में वो जो सिंध सरकार सिंध के मान जो खदशो है या जो एतराज है वो यो है तो सिंध में खास तौर से गादी शहर कराची में रहंदड़ जे गैर कानूनी परदेही जिनमें अफगान पनाहगीर उन गोगर बर्मी बिहारी बंगालीज हैं उन्होंने कड़े खाने में गण्य वो छाण त जै सुप कार्ड जो शर्त खत्म है तो जो मू चाहे पान के पाकिस्तानी जाहिर कराए सिंध जो है मुस्तकिल रहवासी जाहिर कर लिखा सके तो सिंध सरकार जो यो मौकुफ है तो जे सिंध में रहंदड़ गैर कानूनी परदेही उन्होंने अलग खाने में गण्य वे तो जी खबर पेजी सके तो सिंध में रहंदड़ जो गैर कानूनी परदेही जिनमें अफगानिस्तान से ताल्लुक रखंदड़ होजन या बंगाली या बर्मी होजन बिहारी होजन उन्होंने सही अंग की खबर पेजी सके। उनके अलावा सिंध सरकार जो यो मौकुफ है तो सिंध में रहंदड़ बेन सूबन से ताल्लुक रखंदड़ जो मूँ जो मुस्तकिल तौर पर रहन था उनके भी इतने गण्य वे तो जी एन एफ सी अवार्ड में सिंध के पाँच पूरा जो शेयर है वो मिली सके। उनके अलावा वे में वो जो एतराज है वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेन जमायतन जो अची रो है यो अची रो है तो जो गणप थी रही है उनका जो तफसील उ डिप्टी कमिश्नर्स से शेयर क्या वन उनके अलावा घर के सरबराह के यो खबर होजन घुर्जे तो उनका केतरा भाती गण्या वह उन एस एम एस जरिए उनके जो है गणप कर अमलो वापस वे शाम जो उनके एस एम एस कर बुधाया वे तो घर जहाँ एतरा भाती गण्या वह मजमूई तौर पर ही जो घण पार्टी कॉन्फ्रेंस जारी है जैमें सिंध जहाँ घण घुरा कॉम्परस्त मजहबी पार्टियों से ताल्लुक रखंदड़ खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यो इंतजोर दींदी तो सिंध में पाकिस्तान में जारी जी सती पैं डिजिटल आदमशुमारी है उनके मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाया वे 2017 में जो आदमगणप थी उन भी इलाही सारा खदशा जाहिर किया वह सिंध के सिंध जहाँ मानू जो घट गण्या वह सिंध सरकार वे वजीर जो खास तौर पर चवण है तो सिंध के मानून जो अंग है असल अंग वो 7 करोड़ का है पर सिंध के मानून के घट गण्य वे तो इन भेरे भी यो खदशो जाहिर किया पो वे तो सिंध के मानून के घट शुमार किया वो घट गण्य वो जैसे कर एन एफ सी अवार्ड हो जो बिहार वसीला उन्होंने सिंध के पूरा हक न मिली सो उनके अलावा सिंध के मानून के
टेबलेट्स से खदशा उन अलावा गैर कानूनी तौर से रहदड़ जो बहर मून उन बाबत उन गणप के तरीक़ेकार से खदशा हि जो सजो गणप जो जो अमल है वो जो खुफिया गुझो रखे पे वे उन खदशा उ खदशा फौरी तौर से खत्म क्या वन।